आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, यूनाइटेड नेशन में इमरान का भाषण झूठ और नफरत फैलाने वाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, गलत कदम उठाया तो होगा बड़ा नुकसान। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को सरकार ने दिया नोटिस, 4,95,00,000 रुपए जमा करवाएं। जगह जगह खाद के लिए मारामारी, खाद के लिए किसान हो रहे परेशान। और नरसिंहपुर में सामने आया बड़ा जमीन घोटाला, रसूखदारों ने हड़पी सरकारी जमीनें। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। यूनाइटेड नेशन के मंच से शुक्रवार को भारत के खिलाफ नफरत उगलने वाले पाक पीएम इमरान खान के बयान पर भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत की यूएन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान के हालातों और पाक पीएम के गैर जिम्मेदारान बयान पर सवाल खड़ा किए और कहा इमरान का भाषण झूठा और नफरत फैलाने वाला था। भारत ने आतंक समर्थक पाक पीएम इमरान खान द्वारा यूएन के मंच का इस्तेमाल नफरत और झूठ फैलाने से भरा भाषण देने पर नाराजगी जताई। भारत की ओर से कहा गया कि इमरान खान द्वारा यूएन मंच का गलत इस्तेमाल किया गया, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उनका भाषण नफरत से भरा था। परमाणु बम पर इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर भी भारत ने सवाल खड़ा किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ की धरती का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पाक पीएम कहते हैं पाकिस्तान में एक भी आतंकी नहीं है, जबकि यूएन की सूची में मौजूदा 155 आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैं। भारत ने पाक से सवाल किया कि अगर उनके देश में आतंकी नहीं है तो क्या वे यूएन ऑब्जर्वर्स को इसकी पुष्टि करने के लिए उनके देश में जाने की इजाजत देंगे। Unfortunately, what we heard today from Prime Minister Imran Khan of Pakistan was a callous portrayal of the world in binary terms. Us versus them, rich versus poor, north versus south, developed versus developing, Muslims versus others. A script that fosters divisiveness at the United Nations, attempts to sharpen differences and stir up hatred are, simply put, hate speech. यूएन के मन से इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कश्मीर पर भारत की कार्रवाई के बाद परमाणु संपन्न देश आमने सामने होंगे, कर्फ्यू हटने के बाद कश्मीर में खून खराबा होगा, भारत में पुलवामा जैसे आतंकी हमले होंगे, इसके बाद फिर भारत हम पर आरोप लगाएगा, अगर उन्होंने कुछ किया तो पाकिस्तान क्या करेगा, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और परमाणु जंग इन दोनों दो देशों की सीमा से बाहर तक जाएगी। स्कॉर्पियो श्रेणी की एक और पनडुब्बी INS खंडेरी नौसेना में शामिल हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे नौसेना बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा कि सरकार मजबूत इरादों और नौसेना की बढ़ी हुई ताकत के साथ हम उसे कोई भी गलत कदम उठाने पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी हसरतें नापाक हैं, वो साजिश रच रहे हैं कि समुद्र के रास्ते एक और 26/11 जैसा आतंकी हमला तटीय इलाकों में कर सकता है, लेकिन उसके इरादे किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होंगे। मुंबई का मझगांव डाक पर खंडेरी पनडुब्बी को जल सेना के बेड़े में शामिल किया गया है। यह पनडुब्बी एंटी मिसाइल से लेकर परमाणु क्षमता से लैस है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण करते हैं। देवियों एवं सज्जनों, सबमेरिन कंस्ट्रक्शन बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि इंडिया चुनिंदा देशों में से एक है जो स्वयं सबमेरिन्स बनाने की क्षमता रखता है। कलवरी और खंडेरी पनडुब्बियां आधुनिक फीचर से लैस हैं, यह दुश्मन की नजरों से बचकर सटीक निशाना लगा सकती हैं। इसके साथ ही टॉर्पिडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमले भी कर सकती हैं। ये सबमरीन पानी के भीतर और पानी से किसी भी युद्धपोत को ध्वस्त करने की क्षमता रखती हैं। यह पानी के भीतर 45 दिन गुजार सकती हैं और यह एक घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती हैं। रीवा नगर निगम के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को गाँवों के विस्थापितों को सरकार की EWS बिल्डिंग में बसाने के आरोप में 4,95,00,000 का नोटिस जारी किया गया है। शुक्ला पर राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी बिल्डिंग के मकानों को मुफ्त बांटने के आरोप लगे हैं। नगरपालिक निगम ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को 4.95 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि 2013 में चुनाव प्रचार के दौरान राजेंद्र शुक्ला ने पैम्पलेट छपवाया था जिसमें रीवा के रथरा और रथहरी गाँव के विस्थापितों को तत्कालीन मंत्री ने आश्वासन दिया था
कि सरकार के ईडब्ल्यूएस मकान उन्हें मुफ्त में दिए जा रहे हैं। आवास में प्रवेश के बाद विस्थापितों ने नगर निगम में ना तो मार्जिन मनी जमा की और ना ही बैंक से लोन लिया। शुक्ला पर मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की विभिन्न धाराओं में तहत 4.95 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। नगर निगम आयुक्त सभाजीत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि जिन सरकारी ईडब्ल्यूएस मकानों को आवंटित किया गया है वो एक सरकारी योजना के तहत ही बांटे गए हैं, परंतु हितग्राहियों को कुछ अंश देना था जो कि नहीं दिया गया है। जो लोन की प्रतिपूर्ति एक ढंग से हितग्राहियों के अंश से की जानी थी, चूंकि हितग्राही आश्वासित थे, उनके आश्वासन से, इसलिए मैं मान करके चलता हूं कि उनके मध्य एक अनुबंध हुआ था। और ये आज भी हितग्राही ये कह रहे हैं कि आप पैसा अगर वसूलना है तो उनसे वसूलिए, मुझे तो निःशुल्क कहा गया था और मैं निःशुल्क कराया। 4,94,52,975 रुपये आज ब्याज सहित बनता है, मैं उसके लिए मांग पत्र दे। अब हितग्राही भी कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त हमें तो निशुल्क आवास देने की बात कही गई थी, नगर निगम को जो भी पैसा वसूलना है राजेंद्र शुक्ला से वसूलें। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताते हुए सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। 2000 प्रधानमंत्री आवास भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नगर निगम रीवा में पिछले साल बनाकर तैयार कर दिए गए थे, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बाद भी एक भी गरीबों को आवास आवंटित नहीं हुए, जबकि नगर निगम कमिश्नर अपने दलालों को लगाकर लगातार उनसे वसूली की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए वो प्रक्रिया लंबित है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार से मांग की है कि चुनावी वादा नहीं निभाने वाली परंपरा की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से करनी चाहिए। राहुल को 50,000 करोड़ का नोटिस भेजा जाना चाहिए। नरोत्तम ने यह बयान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को निगम के 4.5 करोड़ से ज्यादा वसूली के नोटिस भेजे जाने को लेकर दिया। चुनावी वादा पूरा न करने को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को नगर निगम द्वारा नोटिस भेजने पर अब सियासत शुरू हो गई है। राजेंद्र शुक्ला को 4,94,00,000 का नोटिस भेजे जाने के बाद पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनावी वादा न निभाने के लिए सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव पूर्व जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। न तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना तो रोजगार मिला, ना ही बेटियों को स्कूटी और मोबाइल दिए गए। नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है कि राहुल गांधी को 50,000 करोड़ का नोटिस कर्ज माफी के लिए भेजा जाना चाहिए। चुनावी वादा पूरा न करने के आरोप में विधायक राजेंद्र शुक्ल को नोटिस भेजा, ये नोटिस स्वागत योग्य जब हो जाता जब 10 दिन के अंदर कर्जा माफी 2 लाख की किसान की घोषणा राहुल गांधी जी ने की उसको सरकार नोटिस दे देती, तो हमको लगता कि ये एक अच्छी शुरुआत है और हम भी स्वागत करते हैं। हरदा में यूरिया खाद को लेकर किसानों की मारामारी चल रही है। एकमात्र खाद बिक्री केंद्र होने से कुछ ही किसानों को खाद मिल पाता है। अधिकांश किसानों को खाद खत्म होने पर मायूसी हाथ लगती है। कृषि विभाग ने विपणन संघ से खाद का वितरण तो शुरू कर दिया, लेकिन एक ही मशीन होने के कारण सैकड़ों किसानों को रोज खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। हरदा जिले में खरीफ सीजन की सोयाबीन मक्का उड़द की कटाई शुरू हो गई है और किसान रबी सीजन की फसल की तैयारी में जुट गया है। करीब 1.5 माह बाद उपयोग होने वाले यूरिया की अभी से मारामारी शुरू हो गई है। कृषि विभाग द्वारा विपणन संघ से खाद का वितरण शुरू कर दिया गया है, परंतु एक ही मशीन होने के चलते सैकड़ों किसानों को रोज खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासन ने किसानों को यूरिया केवल शासकीय गोदाम से नगद में देने का निर्णय लिया है। सरकारी दावों से उलट किसान खाद को लेकर बहुत परेशान है। जिले में जो हालात बन रहे हैं यूरिया के वो बहुत ही निराशाजनक है। किसान इतना परेशान है, रोज 500,000 की संख्या में यहाँ पे आ रहा है यूरिया के लिए और मात्र 50 किसानों को यहाँ पे यूरिया दिया जा रहा है। क्योंकि जिले में मात्र 3 सेंटर है और अगर देखा जाए तो एक दिन में 150 किसानों को मिल रहा है, अगर पूरे महीने की बात करें तो 4500 किसान को, और यहाँ पर संख्या जो है 1 लाख से ऊपर है। आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाले हालात कैसे भयावह हालात होने वाले हैं हरदा में। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रबी मौसम में बोई जाने वाली फसलों के लिए सरकार ने पर्याप्त प्रबंध किए हैं और किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। जितने खाद की आवश्यकता है उतना खाद उपलब्ध है। पर्याप्त मात्रा में खाद है, हमारी 32,000 मीट्रिक टन की डिमांड है, जिसमें अक्टूबर में हमको 16,000 मीट्रिक टन खाद मिल जाएगा
और अभी 6000 मेट्रिक टन खाद 30 तारीख को दोहरे का आना प्रस्तावित है जिले में। किसान बेवजह परेशान हो रहे हैं, जबकि अभी माह सितंबर है, हमारे यहाँ बोनी ही नवंबर के प्रथम सप्ताह में गेहूँ की होगी और बोनी के 21 दिन बाद गेहूँ को यूरिया की आवश्यकता होती है। नरसिंहपुर में एक बड़े भूमि घोटाले को रसूखदारों ने अंजाम दिया। भू माफिया पहले शासकीय जमीन को अति गरीबी भूमिहीनों के नाम हस्तांतरित कराते हैं और फिर जबरन गरीबों से महज चंद रुपयों में भूमि अपने नाम करा लेते हैं। कमलनाथ सरकार खुद को गरीबों और आदिवासियों का मसीहा बता रही है, लेकिन यहाँ आदिवासी और गरीबों का हक छीना जा रहा है। इससे बात साफ हो जाती है कि गरीबों का सहारा बताने वाले ये नेता सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। नरसिंहपुर में तेंदुखेड़ा विधानसभा के खामघाट स्थित शासकीय भूमि की फर्जी तरीके से जमकर बंदरबांट की गई। कई सफेदपोश रसूखदारों ने पहले साजिशन शासकीय भूमि को अति गरीब भूमि यूनियन के नाम से करवाया और फिर उसी शासकीय भूमि को मामूली रकम देकर अपने नाम करा लिया। यहां तक कि आदिवासियों द्वारा जिस जमीन पर खेती की जा रही थी वहां से भी उन्हें बेदखल कर उस पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे में आदिवासी दर दर भटकने को मजबूर हैं। चाहे हमें 30-35 साल हो गए हैं चाहे खेती कर, जब कोई नहीं है तो अब है सो पटवारी जी कहते हैं जब बिक गई है कि कोई के नामे है का है कैसी है। कौन ने खरीद ली? जा रघुवीर सिंह जाट ने खरीदी है। अब सरकारी के हिसाब से हमने कही ये तो मिल जाएगी, मन भाई तो मिलवो नहीं, उठा के हमें अलग कर दे। तो ये जाना था कि जे जमीन को जो है नहीं पट्टे पलटी हो गए, शक्कर मिल में सरकारी डरी थी 217 एकड़, तो बा जमीन के पट्टे वो तो छवारे हार में मिल चुके हैं। अच्छा बे ही पट्टे पटवारी जी ने उठा के बेचे हैं। हाँ जी, दबंग लोग हैं, 30 लेबर लाए थे मजदूर, मक्का ट्रैक्टर से बोआ दिया, मजदूरी आप लोगों की सभी की कर कर खाएंगे। दो दर्जन से अधिक रसूखदारों ने सुनियोजित तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया। क्षेत्र के पटवारी फूल सिंह ने इसकी पुष्टि की और बताया कि कई सालों से फर्जीवाड़ा करके रसूखदारों द्वारा शासन की जमीन को हथिया लिया जाता है, जिसके लिए पहले सरकारी जमीन को भूमिहीनों के नाम कराया जाता है, फिर उन्हें उसी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है, जबकि शासकीय भूमि को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। पट्टे की जमीन की बिक्री तो नहीं हो सकती, किंतु पट्टे वाली भूमि बिक चुकी है, बहुत पहले से बिक रही है, करीब 85-90 से 1985-90 से बिक्री की भूमि उन्हीं धरना सेठों ने तो खरीदी है सर। क्षेत्रीय विधायक ने इसे बहुत बड़ा भूमि घोटाला बताते हुए कहा कि वह खुद दो बार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठा चुके हैं। विधायक बताते हैं कि कुछ रसूखदार लोगों द्वारा फर्जीवाड़ा करके ये घोटाला किया गया है और जल्दी इस घोटाले का पर्दाफाश होगा, कई बड़े रसूखदार बेनकाब होंगे। कलेक्टर ने इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया फर्जीवाड़ा बताया है। प्रारंभिक जांच में 12 लोगों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। शासकीय जमीन का मामला है, इसमें दबंगों में नहीं, 420 फोर्जरी करके स्थानीय कुछ लोगों ने उस जमीन को बेचा है। दबंगों में कब्जा नहीं किया, बाहर के लोगों को भ्रमित करके उनको यहाँ पर गलत जानकारी देके कि जमीन हमारी है और दूसरों की जमीन, सरकारी जमीन जो पट्टे की थी उसकी रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करवा के बेची गई है। इसे विधानसभा में मामला उठाया था, उसमें भी कुछ जवाब संतोषजनक नहीं आए थे। उसके बाद फिर अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जांच होगी और निश्चित ही जो गरीबों का कब्जा था वो जमीन उनको मिलना चाहिए। कलेक्टर की अनुमति के बगैर यदि पट्टे की जमीनें बेची हैं तो ऐसा करना गलत है। वो जमीनें पुनः शासन के पक्ष में दर्ज कराने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है हम करेंगे। मुझे जो प्राइम ऑफिसी जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 पट्टेदार हैं जिन्होंने की जमीनें बेची हैं, ये हमारी प्रारंभिक जाँच में सामने आया था। हो सकता है इससे ज्यादा लोग भी हो, कोई दूसरे गांव में भी लोग। नरसिंहपुर में हुए भूमि घोटाले की अभी और भी कई पर्चे खुलना बाकी है, जिसमें कई सफेदपोश चेहरे सामने आएंगे। एक बात तो साफ हो चुकी है कि शासकीय भूमि की रसूखदारों द्वारा जमकर बंदरबांट की गई है, जिसमें आदिवासी और गरीब किसान ठगे गए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरदा जिले के ग्राम कुकरावद में एक कार अनियंत्रित होकर मटकुल नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसे के वक्त कार में सिर्फ कार चालक ही था। कुकरावद स्थित मटकुल नदी के पुल से अचानक एक कार नीचे गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ कार में चालक के अलावा कोई नहीं था। चालक को मामूली चोटें आई हैं। बारिश के दिनों में पानी पुल के ऊपर आ जाता है और जब नदी का पानी कम होता है तो पुल के ऊपर कीचड़ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कार स्लिप होकर नदी में गिर गई। नदी के पुल की हाइट कम होने और रेलिंग ना होने की वजह से इस पुल पर रोजाना इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं सरपंच बलराम पाटिल ने बताया कि गया की पुल की हाइट बढ़ने व रेलिंग लगाने के लिए अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, पर आज तक अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। ग्वालियर में खराब सड़कों को लेकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। कई दिनों से लोग सड़क में गड्ढों के कारण परेशान थे। जब शासन और प्रशासन ने नहीं सुना तो मजबूरन लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया। ग्वालियर में हुरावली के सिरोल थाना क्षेत्र के चौराहे पर क्षेत्र रहवासियों ने रोड की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि रहवासी बहुत दिनों से सड़क में गड्ढे से परेशान थे। सड़कों में गड्ढों के कारण आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं। बारिश में सड़कों की हालत और भी खराब हो गई है। पूरी सड़क में कीचड़ और पानी भरा हुआ है। रहवासियों ने कई बार प्रशासन से सड़कों की मरम्मत करने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की इस लापरवाही से परेशान होकर रहवासियों को मजबूरी में चक्का जाम करना पड़ा। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। विधायक और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया। हरदा के खिड़किया में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में दो लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमलावरों के सर पर खून सवार था। हमलावर बेखौफ होकर चाकुओं से हमला करते रहे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना होने से पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। खिड़किया के भीड़भाड़ वाले इलाके में देर रात धारदार हथियार से दो लोगों पर हमला किया गया। शासकीय अस्पताल के सामने राहुल कहार व कैलाश ने अपने साथियों के साथ आकर रोहित ठाकुर एवं अर्जुन प्रजापति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए हरदा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगे हैं। थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि दो लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। छतरपुर के सटई में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। जब भगवती पटेल अपने रिश्तेदारों के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में रोककर बहादुर सिंह और तीन साथियों ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे भगवती और उसके एक रिश्तेदार घायल हो गए। भगवती की हालत गंभीर होने की वजह से उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सटाई रोड से सला उठते गड्ढा है, सीधे मारने लगे। अब पहले बुराई चलती, अरे तो कोनो बुराई ना थी, भाई खत्म हो गए साहब। इतने सटाई से इतने रेफर करो छतरपुर, छतरपुर से ग्वालियर रेफर करो, उस बीच में झांसी दिखवाओ और झांसी में सुबह 5:30-6 बजे खत्म हो गए। थाना सटाई में कल दो पक्षों में मारपीट हुई थी, उसमें मारपीट में व्यक्ति घायल हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। उसमें सुसंगत धाराएँ बढ़ाई गई हैं, प्रकरण के बाद में PM कराया जा रहा है। लोगों को कुछ आपत्ति थी, उनको सुना गया है, कार्रवाई कराई जा रही है। जब भगवती का शव जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करने की जगह दो पर मामला दर्ज किया। पुलिस की इस हरकत पर पीड़ित पक्ष अस्पताल में ही हंगामा करने लगा। हंगामा बढ़ता देख एडिशनल SP मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया और उन्होंने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि मामले में जिसके भी नाम आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शासकीय कमला राजा चिकित्सालय में भर्ती गर्भवती महिला से बदसलूकी किए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्सों पर महिला मरीजों को चाटा मारने व बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाया है। अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों की लापरवाही के चलते लेबर रूम के टॉयलेट में बच्चे के जन्म होने पर लोग भड़क गए। लोगों ने हॉस्पिटल में की जा रही बदसलूकी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्वालियर के शासकीय कमला राजा चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं से बदसलूकी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी डॉक्टर और नर्सों ने गर्भवती महिलाओं को चाटे मारे और बदसलूकी की। इसी दौरान अस्पताल के लेबर रूम के टॉयलेट में बच्चे का जन्म होने पर लोग भड़क गए, जिसके बाद लोगों ने जिम्मेदार डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो बनाए जाने पर ड्यूटी डॉक्टर्स व सुरक्षा गार्डों ने वीडियो बनाने वाले से मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। वायरल वीडियो में प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री से पीड़ितों ने कार्यवाही की मांग की है। ले नहीं रहे अंदर, नहीं ले रहे, गाली गलौज क्या कर रहे हैं? किसको बोला, किसको मारा? भाभी को बोला कि थप्पड़ मारेंगे। अच्छा चलो चलो चलो, ढूंढे जी जी अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर चार श्रद्धालु पद यात्रा पर निकले हुए हैं। यह पद यात्रा अयोध्या से शुरू होकर केरल के शबरीमाला मंदिर में अभिषेक के बाद समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य राम मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करना है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर कर्नाटक, केरल व गुजरात के चार श्रद्धालुओं ने पदयात्रा निकाली है। श्रद्धालु राजप्पा मिथुन, चरण राम और शशि कुमार ने यात्रा की शुरुआत अयोध्या से की है। राम जन्मभूमि से शुरू यह 3000 किलोमीटर की पदयात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा होते हुए केरल के शबरीमाला मंदिर में अभिषेक के साथ समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य राम मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं का निवारण करना है, जिससे शीघ्र ही भव्य मंदिर निर्माण हो सके। आठवें दिन पैदल यात्रा रीव शहर पहुंची है। बजरंग दल ने पद यात्रियों का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। हमारा चार आदमी का उद्देश्य अयोध्या से राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या से शबरीमला तक पैदल चल के पादयात्रा कर दिया। धर्मस्थ एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने विजयासन धाम सलकनपुर में नवरात्रि के दौरान चलने वाले मेले की व्यवस्था का जायजा लिया। शर्मा ने सलकनपुर में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाने की घोषणा की। सलकनपुर में नवरात्रि के दौरान भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचते हैं। जनसंपर्क मंत्री और धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने प्रसिद्ध देवी धाम में लगने वाले शारदीय नवरात्रि मेले की व्यवस्था का जायजा लिया। मंदिर और नर्मदा घाट की प्रशासन द्वारा जानकारियां दी गई। पीसी शर्मा ने अधिकारियों को पदयात्रियों के लिए लाइट व पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पीसी शर्मा ने सलकनपुर में पदयात्रा करने वालों के लिए धर्मशाला बनवाने की घोषणा की और कहा कि गरीबों के लिए यह धर्मशाला मुफ्त रहेगी। यहाँ एक धर्मशाला की और आवश्यकता है, तो हमारी बात हुई से कल हम एक धर्मशाला के लिए पैसा संचय कर देंगे यहाँ पे सलकनपुर के लिए, जिससे आने वाले समय में और लोगों को दिक्कत दी है और उसका कोई ज़्यादा किराया वगैरह इस तरह का नहीं रखेंगे, धर्मशाला में रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।